हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्लाइंग सिविक स्टॉक्स। आज के वीडियो में हम दो बहुत अच्छे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि निफ्टी 50 जो है अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 10% के आसपास करेक्ट कर चुका है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पैनिक मार्केट में देखने को मिल रहा है। बट आप देखेंगे, अगर इसे ब्रॉडर पिक्चर में आप देखेंगे तो मार्केट 2029 से यहाँ पे आपको चार्ट में डेटा दिख रहा है, वहाँ से मार्केट में लगातार अप मूव ही दिखा है। ऑल्दो कि 2019 से लेके अभी तक मार्केट में चार काफ़ी बड़े करेक्शन भी आए हैं। इसमें सबसे बड़ा करेक्शन जो था कोविड वाला करेक्शन था, जिसमें निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 39% तक करेक्ट हुआ था। देन 2021 दिसंबर के हाई से मार्केट अराउंड 17.63% गिरा था। देन अगेन सितंबर 2022 के आसपास मार्केट अगेन 10% तक करेक्ट होता है, और उसके बाद अभी वाला जो ये करेक्शन है ये आप देख रहे हैं, अभी ये अराउंड 10% हुआ है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये मार्केट का साइकिल है, मार्केट की ये ब्यूटी है कि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे एंड एक वॉलेटिलिटी दिखाता है। अगर ये वॉलेटिलिटी ही मार्केट में नहीं होती एंड मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में चलता तो मार्केट या फिर FD के रिटर्न में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता एंड हर कोई आदमी मार्केट से पैसे कमाने में सक्षम हो जाता अगर स्ट्रेट लाइन होती। क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, इस तरीके के फॉल मार्केट में आते रहते हैं, तो हर कोई यहाँ पे पेशेंस से नहीं रह सकता, इसीलिए मार्केट से पैसा कमाना उतना इजी टास्क नहीं रह जाता। तो लॉन्ग टर्म पिक्चर, लॉन्ग टर्म इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन ये करेक्शन अभी पर्टिकुलर टाइम पे क्यों देखने को मिल रहा है? तो ये इसलिए देखने को मिल रहा है कि क्योंकि आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी कंपनीज के भी रिजल्ट, अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है, रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं एंड ऐसा पिछले 2-3 क्वार्टर से हो रहा है। तो ऐसे में मार्केट का इम्पैक्ट हमेशा, मार्केट कभी भी इंडिविजुअल ग्रो नहीं करता है, वो स्टॉक की अर्निंग के अकॉर्डिंग ही ग्रो करता है। तो स्टॉक की अर्निंग्स के हैम्पर होने की वजह से ये गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हम क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि ऐसे स्टॉक्स जो ऐसी गिरावट के बावजूद उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं एंड वो भी हमें अच्छे करेक्शन पे मिले, तो ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो करंटली जो बैंकों के वैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो वहाँ पे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। एंड जो हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल वाला सेक्टर है, ये भी मुझे काफ़ी ठीक लगता है। लेकिन आज के जो दोनों स्टॉक्स हैं, वो पहला तो एक गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड B2B बिजनेस करने वाला स्टॉक है, जिसके आज ही रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट को मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर किया है। व्हाट्सएप चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मार्केट आवर्स के दौरान अगर कुछ मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है तो मैं उसे वहाँ ज़रूर शेयर करता हूँ। अब बात करते हैं कि पहला स्टॉक हो गया गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड, जो सेकेंड स्टॉक है वो हीट एक्सचेंजर बनाने वाली कंपनी है एंड डेटा सेंटर की भी एक प्रॉक्सी है। साथ ही साथ जो कमर्शियल एयर कंडीशन लगते हैं, जैसे मेट्रो में लगती है, रेलवेज में लगते हैं, इसके अलावा बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं वहाँ लगते हैं, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में उस स्टॉक की बहुत अच्छी कमांड है एंड वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री 25% से लेके 50% तक का एक मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो शेयर मार्केट में गिरावट क्यों हो रही है ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अब बात करेंगे स्काई गोल्ड, जो कि आज का पहला स्टॉक है। इसकी अगर रिटर्न देखेंगे तो इस स्टॉक ने बहुत शानदार रिटर्न पास्ट टाइम में बना के दिए हैं। करंटली ये कंपनी भी 4,700 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके पीई की बात करेंगे तो अराउंड 60 के आसपास का इनका पीई नजर आएगा, जबकि आप इंडस्ट्री पीई देखेंगे तो 38.3 का नजर आएगा। डायरेक्टली इंडस्ट्री से इसका पी इसलिए कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक B2B प्लेयर है जो कि स्मॉल ज्वेलर्स को, बुटीक हाउस को अपनी ज्वेलरी प्रोवाइड कराता है, देन वो आगे फर्दर सेल करते हैं, जबकि इसके पी को आप देखेंगे कि किसी रिटेल चेन से भी कंपेयर किया जा रहा है। लास्ट 3 ईयर का मीडियन पी देखेंगे तो वो 34.8 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि एक रिटर्न रेशियो है, वो 18.7% है, ये अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 23.6% का है, इसे भी आप अच्छा कंसीडर कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.07 का है, हायर साइड पे डेट है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे अराउंड 30% की है, 30% CAGR पिछले 3 सालों में, जो कि काफ़ी शानदार है। प्रॉफिट भी अराउंड 135% CAGR से ग्रो किया है, काफ़ी शानदार इसकी ग्रोथ नंबर्स नजर आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4.87% के है, एज मैंने आपको बताया कि ये एक B2B कंपनी है, तो इसी तरीके के इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको नजर आएंगे।
बट अगेन इस क्वार्टर के रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, सितंबर 2003 में 23 में 396 करोड़ के बदले 769 करोड़ की सेल्स की है कंपनी ने, जिसमें आप 94% की जंप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट यानी कि बॉटम लाइन की बात करें तो 7 करोड़ के बदले कंपनी का नेट प्रॉफिट 36 करोड़ आया है, यानी कि 7 करोड़ से बढ़ के 36 करोड़ हुआ है, जिसमें आप 405% का जंप देख सकते हैं। ईपीएस भी अराउंड 300% से जंप किया है, तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक को ध्यान में रख सकते हैं। सेकेंड स्टॉक जो है उसका नाम है केआरएन हीट एक्सचेंजर। केआरएन हीट एक्सचेंजर की बात करूं तो यही वो स्टॉक है जो डेटा सेंटर की भी बेनिफिशियरी है, 4000 करोड़ मार्केट कैप की एक स्मॉल कैप कंपनी है, एंड ये 4 अक्टूबर 2021-2024 को ही लिस्ट होती है, 452 रुपए के आसपास की लिस्टिंग है, एंड उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट होता है, एंड अभी आप देख सकते हैं गिरावट के बावजूद ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पे मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया कि कैन यू अप्राइज मी ऑफ द इंडस्ट्री टेलविंड, की इंडस्ट्री किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में ग्रो कर सकती है, इसके बारे में जब मैनेजमेंट से पूछा गया तो मैनेजमेंट ने बताया कि जो रूम एसी का मार्केट है वो अराउंड 8% से ग्रो करने वाला है, वहीं कमर्शियल साइड ग्रोथ जो है 20-25% की है, जैसे कि डेटा सेंटर, और अगर डेटा सेंटर की बात करें तो उसमें मोर देन 50% की ग्रोथ नजर आती है, एंड मेजरली जो बड़ी कंपनीज होती है वो ओईएम जो है खुद नहीं, इन हाउस नहीं बना के इनसे, जैसे ऐसे इंडिविजुअल प्लेयर है उनसे लेती है, तो डेफिनेटली इनका मार्केट शेयर भी आने वाले टाइम में ग्रो करने वाला है। करंटली ये 3 डिजिट के पी 102 के आसपास नजर आता है, जबकि इसका मीडियम पी 53 के आसपास है एंड इंडस्ट्री पी 43 है। इस स्टॉक को आप ध्यान में रख सकते हैं, रिटर्न रेशियोज काफी शानदार नजर आएंगे, एक्सेप्शनली अच्छे हैं, आरओसी 42.1% का है, वहीं आरओई भी 41% के आसपास नजर आता है, डेट टू इक्विटी 0.11 यानी कि एक नेगलिजिबल डेट के आसपास, यानी बहुत ही कंफर्टेबल डेट के सीन नजर आता है यहाँ पे। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर शानदार है, 3 ईयर्स में जो सेल्स है 60% सीएजीआर से ग्रो करी है, एंड जो प्रॉफिट है 153% सीएजीआर से ग्रो किए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 19.2% के हैं, जो कि काफी शानदार है। केआरएन हीट एक्सचेंजर्स के भी नंबर अभी आए हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि इस क्वार्टर के रिजल्ट यानी कि सितंबर 2023 में 71 करोड़ की जहां पे कंपनी ने सेल्स की थी वो बढ़ के 98.9 करोड़ हुई है, यानी कि क्वार्टरली अराउंड 100 करोड़ की सेल्स के आसपास पहुंचने वाली ये कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, एंड नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट 41% से ग्रो किया है, जहां सितंबर 2023 में 8.61 करोड़ का था वो 12.1% का बन गया है, तो रिजल्ट काफी शानदार है। तो इन दो कंपनीज पे आप ध्यान में रख सकते हैं, और इसी टाइप के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।